हो? ख्याति मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए मैं मुंबई जा रही हूँ। अरे अचानक? हाँ, मेरे पापा का प्रमोशन हो गया ना, तो इसलिए ट्रांसफ़र हो गया। तो तुम डर क्यों रही हो? मुझे डर इस बात का लग रहा है कि नया स्कूल और एडमिशन और वो लोग जो वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर इंटरव्यू बुरा या डरावना हो, कुछ अच्छे भी होते हैं। कैसे? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नमस्कार, चिपचिपी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं उस लट्टू टीवी चैनल पे आपका दोस्त बजबट्टू। चिपचिपी खबरें हैं, ये रिमोट किसका है? मेरे साथ है घनश्याम से आए बरेली। सॉरी, मेरा मतलब है बरेली से आए घनश्याम। हाँ, घनश्याम दास गुप्ता। मैंने पूछा आपने बीच में कैसे बोला? आप अपना सरनेम बताकर मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मेरी स्पीड टूट जाती है। तो ये घनश्याम और ये इनकी धर्म पत्नी, आपका नाम सुलेखा। सुलेखा क्या आप अपना पूरा नाम बताने से क्यों डर रही हैं? आखिर से क्या हुआ था दोनों के बीच जो पति अपना पूरा नाम बता रहा है और पत्नी अधूरा? तन्नेसन मोह सुनो, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन्होंने वन मिनट, आपका जब नंबर आएगा तब बोलिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, my channel, my show, my chair, my laptop, my juta, and my choice, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये रिमोट किसका है। घनश्याम जी पहले आप बोलिए। तो भैया ये रिमोट हमरा होना चाहिए क्योंकि हमारी पत्नी सुलेखा ये रिमोट से सास बहू वाले सीरियल लगाती है जिसमें एक ही चीज को तीन तीन बार दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं। हाँ, बुड़बक। भाभी जी आप बोलिए। अरे क्या बताएं भैया, हमारे सीरियल में कुछ नया नहीं हो जाता तो ससुरा इनके क्रिकेट में क्या नया हो जाता है? ब्रेकिंग न्यूज, मतलब विराट कुछ नहीं कर पा रहा नया, तो क्या उसे ले लेना चाहिए संन्यास? आखिर कब तक टीम इंडिया ऐसे प्लेयर्स का भार ढोएगी? देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मेरा शो है, मेरा प्राइम टाइम है और मुद्दा भी मेरा होगा। पर हमने तो कुछ कहा। चुप रहिए। अरे क्या है, चुप रहिए। घर में बीवी नहीं बोलने देती, ऑफिस में बॉस नहीं बोलने देता, संडे को बच्चे नहीं बोलने देते, या बुलाकर न्यूज में तुम नहीं बोलने देते। आज हम बोलेंगे, जी भर के बोलेंगे। बोलू के पापा गुस्सा कंट्रोल करिए, बीपी हाई हो जाएगा। बस गोलू की माँ। तीन मिनट हमसे कौनो ससुराल छीन नहीं सकता, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो आइए हम चलते हैं एक ब्रेक की ओर, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप हमें एसएमएस करके जवाब भेजिए कि क्या घनश्याम दास गुस्से में रिमोट तोड़ देगा या नहीं। सही जवाब भेजने वाले दो लकी विनर को मिलेगा पतली पिन वाला मोबाइल चार्जर। तो जल्दी फोन उठाइए और एसएमएस कीजिए 420 420 पर। श्याम जी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बस आपको ब्रेक के बाद गुस्से में रिमोट फेंक देना है, समझ गए ना? हाँ। भाभी जी आपको रोते हुए बोलना है। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपसे रिमोट नहीं लूंगी। समझ गए ना? तैयार? तैयार। ब्रेक में जाने से पहले घनश्याम दास बहुत गुस्से में थे, अब देखना यह है कि घनश्याम दास गुस्से में क्या करते हैं। घनश्याम जी
पानी पीने का टाइम नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रिमोट फेंकना है। अरे हम काहे फेंके रिमोट? आपका शो, आप ही फेंकिए। क्या बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ रिमोट फेंको। अरे ये क्यों फेंकेंगे रिमोट, कल ही नए साल डाले। निकल जाइए, निकल जाइए, आप लोग मेरे स्टूडियो से निकल जाइए। माय स्टूडियो, माय टीवी, माय ऑडियंस, माय चॉइस, माय चॉइस, माय चॉइस। चलो गोलू की माँ।